प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत जो है किस्त की रकम जारी कर दी गई है और आप जो है लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट को कैसे देख पाएंगे, आप कैसे जान पाएंगे कि इस बार आपको किस्त का पैसा मिला है या नहीं मिला है। इवन आप कैसे जान सकते हैं आपके गांव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किस्त का पैसा मिला है, जिनको आवास योजना के अंतर्गत आवास अलॉट हुई है, उनको घर के लिए पैसा अलॉट हुआ है। तो मैं हूं उमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं आप जो है पीएम आवास लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या ग्रामीण लिस्ट चेक करने की, तो गूगल पर आकर आपको कुछ नहीं iayNIC.in/reports2021 लिखकर सर्च मार लेना है। जैसे ही आप यह लिखकर सर्च करेंगे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक जानकारी आएगी, इंदिरा आवास योजना डिटेल्स 2021 हिंदी iAY लिस्ट, ये जो है सरकारी योजना.com के द्वारा आ रहा है, ठीक है। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करिएगा एक डेडिकेटेड आर्टिकल मिल जाएगा 2020-21-22 के लिए भी, और यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर जो है आप लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी गई है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो जाता है या ग्रामीण हो जाता है उसकी भी वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ग्रामीण पर चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी दिया गया है। अगर आपने अभी तक आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसका भी प्रोसेस आप यहां पर जान सकते हैं। इवन आपको जो है ईयर वाइज कंप्लीट रिपोर्ट कैसे चेक करनी है उसकी भी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट को कैसे चेक करनी है, आवास योजना के लिस्ट को कैसे देखनी है। तो डायरेक्टली हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएंगे और वहीं से चेक करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, तो इस पे आपको क्लिक करना है शहरी वाले पे। शहरी वाले पे क्लिक करने के बाद आप जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ये जो है pmaymis.gov.in शहरी क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको जो सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है, सर्च बाय नेम पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं ग्रामीण का भी आगे बताऊंगा। सर्च बाय नेम पर क्लिक करते ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे, शो करेंगे। अगर आपका शो हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप बेनिफिशियरी हैं और आपको पीएम आवास योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा, और आपके सामने जो अकाउंट स्टेटस भी खुल जाएगा कि पेमेंट वगैरह रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे पास शहरी का आधार नंबर नहीं है, मैं आगे आपको नहीं बता पाऊंगा। अब बात करते हैं ग्रामीण की, तो ग्रामीण के लिए PMAYG यानी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट के अंतर्गत रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। अगर यह पेज खुलने में दिक्कत होती है तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इसको जो है क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर इसका भी डाटा जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं फिर से ब्राउज करता हूँ ताकि जो दिक्कत हमें पहली बार हुई थी वो दिक्कत आपको भी हो तो मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूँ। आवास सॉफ्ट पर आना है, रिपोर्ट पर आना है। रिपोर्ट पर आते ही यह वेबसाइट खुल जाएगी। अगर नहीं खुलती है तो एडवांस सिक्योरिटी में जाकर आप जो है इसको अलाउ करेंगे और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये खुलेगा। खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एच वाले कॉलम में जाना है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट, और यहाँ पर जो बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पंचायत जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप जो है ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर की आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं। तो हमारे एरिया में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 का काम हुआ है, 2021-22 का काम नहीं हुआ है, तो हम 2021 का लिस्ट चेक करेंगे। 2021-22 का करेंगे तो हमको कोई जानकारी दिखाएगी ही नहीं। अब यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है किसका आप देखना चाहते हैं।
तो पहला जो है आपको IAY न्यू कंस्ट्रक्शन हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो जाती है। तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे टिक करना है क्योंकि हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं। अब ये जो कैप्चा कोड है वो आपको डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट आप करोगे, सबमिट करते ही आपके सामने जो है लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसमें आप जो है पूरी जानकारी देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है लिस्ट खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिलो फाउंडेशन लेवल, यहाँ पर जो है इनका पहले लेवल से भी नीचे है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो चुका है, स्वच्छ भारत अभियान NBA के तहत जो है इनको टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब PM आवास योजना में ही जो है प्रधानमंत्री शौचालय वितरण योजना को शामिल कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट, आप देख सकते हैं कितना अमाउंट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट रिलीज जो इनको हुआ है दूसरी इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपये की, और इनको जो हुआ है तीसरी इंस्टॉलमेंट 1,20,000 रुपये की। इंस्पेक्शन ऑफिसर जो थे उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये फलाना जो है इंस्पेक्शन ऑफिसर थे और इनके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और इनके द्वारा जो है पड़ताल की गई है, इनके द्वारा वेरीफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है लिस्ट देख रहे हैं और लिस्ट आपके सामने खुलकर आ चुका है। आप चाहेंगे तो इसे जो है एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने का क्या होगा, अगर आपके पास MS ऑफिस वगैरह है तो आप जो है डायरेक्टली रिपोर्ट को फिल्टर लगाकर चेक कर सकते हैं, एवन आप जो है मोबाइल वगैरह में से एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं। तो एक्सेल के लिए आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, देन आप इस डाटा को जो है सेव कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं देन आपको PDF पे हिट करना है, सेव डाटा पे क्लिक कर लेनी है। सेव डाटा पर क्लिक करेंगे आपको देख सकते हैं ये जो PDF फाइल है, यहाँ पर मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये PDF फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किसका नाम सेलेक्ट हुआ है, उनको कितना पैसा मिल चुका है, कितनी किस्त उनको मिल चुकी है, उनका जो है किसके द्वारा वेरीफाई हुआ है। तो ऐसे करके आप जो है लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी, धन्यवाद। सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी PM आवास लिस्ट चेक करने की, इवन मैंने आपको जो है PM आवास के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी भी जानकारी दी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट उसकी भी जानकारी दी है। तो इसको देखकर आप बहुत ही आसानी से PM आवास लिस्ट को चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर उन लोगों तक जरूर करिए जिन्होंने PM आवास के लिए अपना आवेदन किया था और उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, या उनको पता नहीं है कि पैसे आए हैं या नहीं, या फिर वो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, धन्यवाद।